नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल सुमन मैकेनिकल सपोर्ट में। दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं जो स्टेबलाइजर हम लोग यूज करते हैं, किट यूज करते हैं और ब्रांड में क्या अंतर है। इसके लिए मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, आप चाहें तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि दोनों में डिफरेंस आपको मैंने पहले वीडियो में बता दिया है और आप देख भी सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ अलग तरह से डिजाइनिंग की है जिसमें सेम टू सेम फंक्शन है, बिल्कुल वैसे ही बहुत अच्छी तरह से काम करेगा, वर्क करेगा। इसमें रिले और किट ट्रांसफार्मर सभी की सेफ्टी होगी और जब सभी की सेफ्टी होगी तो समझिए कि आपकी भी सेफ्टी होगी। तो दोस्तों यही बात मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रांड कैसे करते हैं, इनपुट देते हैं और उनकी तीनों रिले ऑन होती है तो सप्लाई आपको आउटपुट रिले पर मिलती है, यानी कि उनकी चारों रिले ऑन हो जाती है। हमें चारों रिले ऑन नहीं, सिर्फ दो रिले ऑन कराकर आउटपुट लेना है, क्योंकि अगर आप ये देख सकते हैं कि इनपुट और ये जा रही है 200 टेपिंग पर जा रही है तो हमारे झटके बंद हो जाएगा। उसके बाद हमें कोई मतलब नहीं है कि और रिले NC से जुड़ी है या NO से जुड़ी है, क्योंकि मेन झटका जो आता है इनपुट पे आता है, क्योंकि हम सप्लाई पहले इनपुट पे देते हैं उसके बाद ट्रांसफार्मर के माध्यम से हमें आउटपुट पे मिलता है। तो हमें मेन इनपुट पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इनपुट अगर हमारी अच्छी रहेगी तो आउटपुट हमारी ठीक रहेगी, क्योंकि इनपुट के बाद हमें सारी की सारी जो है जो कंट्रोलिंग वोल्टेज जो है वो ट्रांसफार्मर देती है, उसके बाद वो हमारे सेलेक्टिंग किट के द्वारा सेलेक्ट होकर हमें आउटपुट से सप्लाई मिलती है। तो इस वीडियो में मैंने पहले भी आपको पिछले वीडियो में मैं बताया था कि हमारी और कंपनी के ब्रांड में क्या अंतर है, और ये आप देख सकते हैं कि सिंपली तौर पर कि आप NCC देते हैं तो कॉमन पे सप्लाई देते हैं तो NC पे जाती है और NC से फिर दूसरे NC पे जाती है। तो यहीं पर हमारी मेन चीज़ है कि अगर यहाँ NC से जाती है तो NC हमारी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार है, और ये हमारी जो पुरानी वाली है, ये मैं पहली जो बता रहा हूँ ये पुरानी वाली हमारी डिजाइनिंग है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी NC से सीधे 90 वाली वोल्ट पर, यानी कि सेकेंड रिले जो है उसकी 90 वाली वोल्ट पर टिपिंग जाती है, जिससे काफ़ी तेज़ झटके पड़ते हैं और रिले ख़राब होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो ब्रांड है वो अपनी जो डिजाइनिंग है वो चेंज कर दी, और जब डिजाइनिंग उनकी चेंज हो जाती है तो हमारी और उनकी डिजाइनिंग में चेंजिंग होने के कारण उनके बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर की तीव्र गति से झटका ना देना, या फिर जो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे रिले पर उनके चाइनीज रिले होते हुए भी उनके रिले बहुत कम ख़राब होना, जबकि हमारी बढ़िया बेस्ट रिले होते हुए भी वो ख़राब हो जाती है। अब यहाँ पर हमने थोड़ी सी चेंजिंग की है, आप देख सकते हैं कि वो हमारी पहली वाली थी, यहाँ पर हमारी दूसरी वाली है। तो वहाँ पर हमने जो इनपुट सप्लाई जो दी थी वो NC हमारी जो थी, NC से हमने सेकेंड रिले को कॉमन में जुड़ा हुआ था, जबकि यहाँ पर हमने NO से जुड़ा हुआ है, और ये आप देख सकते हैं कि जो उसकी NC है वो 200 वोल्ट वाले टिपिंग से जुटी हुई है, बाकी सेम टू सेम वैसे ही जैसे हम कनेक्शन करते हैं वैसे ही है इसमें। अब इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें जो इनपुट रिले है उसको हमने चेंज कर दिया, यहाँ पर हमने 12 वोल्ट की लगा दी है, और एक रिले 12 वोल्ट 2 एम्पियर या 1 एम्पियर या 4 एम्पियर या चाइनीज कोई भी लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़े कनेक्शन में अंतर है, यहाँ पर हमारी NC में है और ये आप देख सकते हैं कि इनपुट की ये 200 वाली टेपिंग NO पे जुड़ी हुई है, जबकि हमारी जो पुरानी नई वाली जो डिजाइनिंग है इसमें हमारी ठीक इसकी उल्टी हो जाएगी, ये देखिए यहाँ पर ठीक इसकी उल्टी हो गई है। यही इसमें इस किट में और इस डिजाइनिंग में थोड़ी सी फायदा है, किट वही रहेगी आपकी सेम टू सेम, सिर्फ इसमें एक रिले बढ़ जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
जो तो आप देख सकते हैं कि कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। ये देखिए जो इनपुट की रिले है वहाँ पर हमने कनेक्शन थोड़ी सी चेंज कर दीजिए है, इनपुट की कॉमन को हमने इनपुट पर जोड़ दिया है रिले की कॉमन को, और उसकी एनो को जोड़ दिया है रिले नंबर टू की एनो पर, और उसकी एनसी को जोड़ दिया हमने 200 वाली टेपिंग पर। ये सिंपली यहीं पर हमारी कनेक्शन चेंजिंग है, बाकी कनेक्शन हमारे सेम टू सेम वही है जो मैं करता हूँ। अब यहाँ पर चले आइए जो किट की कनेक्शन में थोड़ी सी फेर बदल की गई है इसमें। ये आप देख सकते हैं कि जो इनपुट की रिले है उसकी कनेक्शन से बिल्कुल अलग कर दी गई है, दोनों के दोनों वायर को, एक कॉइल की एक वायर को सीधे हम निगेटिव में किट की निगेटिव में दे देंगे सीधे डायरेक्ट, और उसकी पॉजिटिव को हम दे देंगे एक और रिले लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि एक रिले लगा हुआ है, उस रिले जो 24 वोल्ट 2 एम्पियर की रिले है, उस रिले की एनो को हम खाली छोड़ देंगे, और आप देख सकते हैं कि बाकी सेम टू सेम वही 24 वोल्ट की टेपिंग इसमें भी है, जबकि हमने इसमें कोई टेपिंग इत्यादि की चेंजिंग नहीं की है, सेम टू सेम वही है। अब यहाँ पर जो 2 एम्पियर की जो है आपकी रिले और 24 वोल्ट, वो 24 वोल्ट रहेगी जबकि मेन रिले 12 वोल्ट रहेगी। क्यों, इसके लिए मैंने पहले भी बताया था कि अगर जब हम 200 वोल्ट वाले टेपिंग पर देंगे तो इसकी वोल्टेज हो जाती है काफ़ी कम, जिससे ये रिले ऑन नहीं होने देगा। ये जब तक यहाँ पर आपको वोल्टेज 222 वोल्ट ये नहीं मिलेगी तब तक ये रिले आउटपुट रिले ऑन नहीं होगा। तो अब निगेटिव को हमने जो इनपुट रिले उसके एक कॉइल को हम डायरेक्ट निगेटिव दे देते हैं, जबकि दूसरे सिरे को हम दूसरी एक रिले जो लगाए हैं उसकी एनसी पर दे देंगे, और उसके कॉमन को हम 78012 एक आईसी लगाएंगे रेगुलेटेड आईसी, उसकी आउटपुट वाली पिन पर दे देंगे, जबकि उसकी इनपुट वाली पिन पर डायरेक्ट जो 24 वोल्ट होती है किट की वो दे देंगे, और जो 78012 की जो कॉमन वाली है उसको हम निगेटिव में दे देंगे, जबकि ये जो रिले है ये पर हम आउटपुट वाली जहाँ पर हम जो हमारी आउटपुट इनपुट वाली जो रिले की कॉइल की वायर होती है उस पर हम जोड़ देंगे। अब इससे नतीजा ये होगा दोस्तों कि अगर आप देखेंगे कि जो 78012 ये कॉमन कॉइल में जो है, और ये रिले हम सेम टू सेम इसके बाद वाली यानी कि इनपुट रिले वाले दोनों को कॉइल में दे देंगे, तो जब ये ऑन होगी लास्ट में 200 टेपिंग पर तो ये रिले स्वतः आपकी ऑफ हो जाएगी इनपुट वाली, और ऑफ होगी तो आपको ये डाउन करना स्टार्ट कर देगी, जबकि उसमें पहले सब रिले ऑन होती थी, लेकिन इसमें क्या होगा कि आउटपुट ऑन, उसके बाद ये ऑन ऑफ, इसके बाद ये ऑन ऑफ, और उसके बाद ऑफ ऑन ये होगा, बिल्कुल ये फंक्शन उल्टा हो जाएगा, और ये आपको काफ़ी अच्छी वर्क करेगी क्योंकि मैंने इसे पूरी तरह टेस्टेड कर लिया है। तो ये रिले जो है आप देख सकते हैं कि जो 2 एम्पियर को रिले इसमें यही मेन पॉजिटिव चली जाएगी इसकी, और इसकी जो निगेटिव है वो आपको किट के माध्यम से मिलेगी, यानी कि जब 200 वोल्ट से अप आएगी तो ये रिले ऑफ ऑन हो जाएगी और मेन रिले ऑफ हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कहिएगा कमेंट में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।